यकीन नहीं आता, ये वही किशन है। चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर, अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। अक्षर के इस मेले में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी को मिली एक बद्दुआ से जूझकर और अपने इस अक्षरों के ज्ञान को पाकर आप सब मेहमानों का बहुत बहुत आज स्वागत है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूं और आपका स्वागत करती हूं आज के इस अक्षर मेला में। हमारी तीनों टीमें आई है राजस्थान के अलग अलग जिला से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। हमारी पहली टीम है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जिला से। ये है टोंक जिला ए की टीम और ये है बांसवाड़ा की टीम। आइए चल के मिलते हैं सबसे पहले भीलवाड़ा की टीम से और मिलते हैं इनके स्वयंसेवक से जिनका नाम है फारूक खान। आपका नाम फारूक खान है। अच्छा मुझे बताइए कि आपके जो जिला या डिस्ट्रिक्ट में सबसे खास चीज क्या मिलती है? कपड़ा। तो वहाँ पर घर में बैठ के कारीगर बनाते हैं क्या? आपकी मिले हैं? हथकरघा भी है, मिले भी है, लूम्स भी है, सब कुछ है। अच्छा ये जो सब लूम्स वूम्स चलाते हैं ये आते हैं आपके पास पढ़ने लिखने? हाँ, मजदूर आते हैं, लूम्स चलाने वाले आते हैं, मैकेनिक आते हैं, तरह तरह के लोग पढ़ने आते हैं। तो पढ़ने किस वक्त आते हैं और काम किस वक्त करते हैं? सुबह 8 से शाम को 8 तक तो इनका वर्क डे होता है और शाम को 8:30 बजे बाद मेरे पास पढ़ने आते हैं। कितने बजे तक? 11-12। तो काफी लंबा दिन हो जाता होगा इनका। काफी हिम्मत की बात है ना भाई। चलिए फारूक के साथ आए हैं रईस, रफीक और ये हैं आसमा और ये हैं परवीन और ये है हमारी टोंक जिला ए की टीम और इनकी स्वयं सेवक का नाम है निर्मला देवी जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे बताइए आप कितने लोगों को पढ़ाती हैं? 40 महिलाएं। तो ये देवलाल और श्यामलाल कहाँ जाते हैं? पुरुष भी है, मतलब कम है, महिला ज्यादा है, दो केंद्र चलता है हमारे। चलिए निर्मला के साथ आए देवलाल श्यामलाल और ये है मनभर और बादाम और ये है हमारी बांसवाड़ा की टीम और इनके स्वयंसेवक का नाम है लक्ष्मण पटेल। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि आप इन लोगों को पढ़ाए लिखे? जब मैं पढ़ रहा था उसमें जो अनपढ़ लोग थे वो कहीं राशन लेने के लिए जाते थे, उसमें डीलर लोग हैं वो कहीं 3.5 रुपये केरोसिन लीटर दिया जाता था, वहाँ पर 4 रुपये ले लेते थे। उसमें हमें ये अफसोस होता था कि इन लोगों को कैसे पढ़ाया। तो ये लोग आके आपसे शिकायत करते थे? हाँ, क्यों? कि पढ़े लिखे आप हो तो उनको समझाओ। अच्छा तो फिर हमने ये सोचा कि उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाए ताकि वही खुद उनको टोके। बहुत अच्छी बात सोची आपने। और लक्ष्मण के साथ आए हैं हकरिया और ये है नानजी और ये है सुखी और ये है चंद्रकांता। चलिए अब हमारा हो गया आप सबसे मुलाकात हो गई और टीमों को हम मिल लिए। अब चल के खेलते हैं आज का पहला खेल जिसका नाम है खोजबीन। भाई बहुत भीड़ होती है, हमारे देश में भी है, दुनिया में भी है और क्या है कि शब्दों की भी बहुत सारी भीड़ है। लेकिन क्या करना है, ये शब्द भी थोड़े नटखट हो गए हैं आपकी तरह, इनको भी थोड़ा खेल खिलाना चाहिए। इन शब्दों को आपको इस शब्द में ढूंढना है। हर टीम के लिए हमारे पास है एक शब्द जाली, उस शब्द जाली में आपको शब्द ढूंढने हैं और एक जना उन्हीं शब्दों को पहचान के इस बोर्ड पर लिखेगा। तो पहले हम जाएंगे भीलवाड़ा की टीम के पास और फारूक आप मुझे बताइए कि आपकी टीम से कौन जाली को पहचानेगा और कौन लिखेगा। खोजने के लिए मैं रफीक को भेजूंगा और लिखने के लिए आसमा को। ठीक है आसमा आप लिखेंगी, आप जाइए और जाकर रफीक को खोलिए। आप रफीक मेरे साथ चलिए आइए। अच्छा अब रफीक आप मुझे बताइए कि आपने पढ़ना कब सीखा? ये 1 साल हो गया।
आपने बचपन में पढ़ाई क्यों नहीं की? फादर विकलांग थे। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कपड़ा बनता है, तो आप आज भी वही करते हैं? नहीं, अब उन्होंने काम छोड़ दिया। तो क्या करते हैं आप? अब स्क्रीन प्रिंटिंग करता हूँ। तो पढ़ने लिखने के बाद? पढ़ने लिखने के बाद, जैसे पढ़ना चालू किया तो मैंने सोचा आप काम भी। तो क्या सोच के आपने कपड़े की, क्योंकि वहाँ पे भी पैसा बनता होगा आपका? मगर मैं 12 घंटे ड्यूटी है, मगर कुछ भारी पड़ता था। 12 यहाँ क्या, 8 घंटे ड्यूटी है, पैसा भी इतना मिलता है, 4 घंटे का फर्क। लेकिन आपको खुशी इस बात की कि अब आप साक्षर हैं? साक्षर। चलिए चलिए रफीक, आपको ढूंढने हैं इस जाल में फल के शब्द, और आपकी जाली है ये। चलिए, आम, केला, केला, पपीता, पपीता, अनार। चलिए, आपके चारों शब्द हो गए जाली में, आप जाके बैठ जाइए। और यहाँ देखते हैं, चलिए आपके पास काफी समय है अभी, अभी आपके पास 40 सेकंड से भी, हाँ 40 सेकंड है आपके पास। ठीक है, उन कर लेंगे, उनके पास बहुत काम है। नहीं, दो जने साथ नहीं कर सकते, आप बैठ जाइए रफीक। चलिए, पपीता बोला उन्होंने और आम, अनार बोला उन्होंने, चलिए चलिए अनार बोला उन्होंने, और कुछ बचा है आपका? कुछ बचा वहां पर? कोई नहीं कोई नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, वहां कुछ बच गया आपका, एक मात्रा बची है, जल्दी से लगा दीजिए आप। ना ना ना, चलिए इनके पास 10 सेकंड बचे थे। चलिए अब देखते हैं, आम, अनार, केला। चलिए मैं ये मात्रा ठीक कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लगा रही थी लेकिन घबराहट में गिर गया था। और ये है पपीता, इनके 40 यहाँ 40 वहां। चलिए जल्दी आओ, मेरे साथ बैठो, इधर आओ और इधर बैठो, और मुझे बताओ कि आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या अंतर आया पढ़ने से? पहले चिट्ठी किसी से और से पढ़ाना पड़ती थी, हमारा घर हमारे वहाँ से आती थी, गांव से, तो अब हम खुद पढ़ लेते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई अब और लोग आते हैं आपसे चिट्ठी पढ़वाने? अच्छा, पहले हम बोलते थे उनसे हमारी चिट्ठी पढ़ दो, तो बोलते हम काम के बाद पढ़ेंगे, हमारे को इंतजार रहता है कि काम कब करें, हमारी चिट्ठी पढ़े। लेकिन अब आप चिट्ठी खुद पढ़ लेते हैं? हम खुद ही पढ़े। चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। और हमारी टोंक जिले की टीम से निर्मला जी, बताइए कि कौन पहचानेगा, कौन लिखेगा? मनभर पहचानेगी और देवलाल लिखेंगे। देवलाल आप वहाँ जाइएगा और चिट्ठी को खोलिएगा, और आप आइए मनभर मेरे साथ। आप बहुत देर से बहुत चुपचाप बैठी हैं, मुझे बताइए क्या क्या पढ़ती हैं और क्या लिखती हैं आप, क्या सीखा आपने अभी तक? मैं गणती भी सीख लिए और बारकड़ी भी सीख लिए, 3 किताब पूरी भी कर लिए, नवरंग पढ़ रही। चलिए अब आपको ढूंढने हैं इस जाल में बाजे के शब्द, और आपका समय शुरू होता है अब। बाजे होते ना, बाजे बाजे, जिन जो साज होते हैं ना, जिनसे गाना बजता है, ढोलक। ढोलक बोला इन्होंने, ढोलक। चलिए देखिए, ऊपर वाली लाइन देखिए, नीचे वाली देखिए, झुंपसी, बंसी, बंसी, और उन्होंने कुछ और कहा, देखिए ऊपर की लाइन देखिए, एक एक तारा, एक तारा बोला इन्होंने, और एक और है, चलिए ढूंढिए, सारंगी, सारंगी, बिल्कुल सही। आप जाइए भंबर, बैठ जाइए। चलिए आपके पास है अभी 15 सेकंड हैं ज्यादा आपके पास, सारंगी लिखिए। चलिए चलिए खत्म करते जाइए सबको, चलिए जल्दी करो जल्दी करो, एक जना रहो यहाँ पर, सारंगी लिखो, सारंगी, उन्होंने कहा ढोलक, सारंगी, एक तारा बोला, बंसी बोली, बंसी लिख दो, बस 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 बस, समय खत्म समय खत्म। चलिए चलिए चलिए, अच्छा वहां तो चारों सही हैं इनके, यहाँ इनका ढोलक सही है, सारंगी सही है, थोड़ी बिंदी रह गई इनकी, लेकिन मैं उनको दे दूंगी, बाकी 2 खत्म नहीं हो पाए तो हम नहीं दे सकते, तो यहाँ 20 और वहां 40। अब ये हमारी बांसवाड़ा की टीम है, लक्ष्मण बताइए यहाँ से कौन पहचानेगा? चंद्रकांता जी पहचानेंगे और नानजी भाई लिखेंगे। नानजी आप जाइए वहाँ पर और चिट्ठी को खोलिए, और चंद्रकांता आप मेरे साथ आइए, आप यहाँ खड़े होइए। आप शादीशुदा हैं? अच्छा, अगर आप राशन खरीदने जाती हैं तो वहाँ पर आपको वो बनिया ठग तो नहीं सकता ना? अभी पहले ठगता था। पहले ठगता था? रुपया कम देता था? देता था। ज्यादा लेता था? अब नहीं ले, अब नहीं लेता। चलिए आपको पहचानना है यहाँ पर बोलियों के नाम, बोली होती है ना, हाँ। चलिए आपका समय शुरू हो गया। मारवाड़ी, मारवाड़ी, नहीं नहीं आप ध्यान से देखिए, अक्षर सारे यहाँ दिए हुए हैं,
चलिए उन्होंने पीछे मेवाती, हाँ मेवाती बोला इन्होंने। चलिए देखिए, जयपुरी जयपुरी, आप ध्यान से देखिए देखिए देखिए, ऊपर ऊपर वाले खाने में देखिए क्या है, मालवी मालवी। एक और बचा है, चलिए माखड़ी, मेवाड़ी मेवाटी, मेवाती इन्होंने कहा, वो तो हो चुका है। एक और है, एक और है, देखिए देखिए ऊपर क्या है, खड़ी 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 बोली जिसे कहते हैं। आइए आइए आप बैठिए, और यहाँ देखिए आपके पास 10 सेकंड हैं। चलिए जयपुरी, मेवती मेवती और मलवी, और ये है, जल्दी 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 आपकी माताएं बची हैं, जल्दी लगाइए जल्दी लगाइए, बस 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 आपका समय खत्म हो गया, आप यहाँ आइए। ऐसा है कि ये हो गया मेवती, ये होना चाहिए था मेवाती, ये जयपुरी सही है, ये मलवी जो है मालवी होनी चाहिए थी, और ये है खड़ी, खड़ी बोली जिसे कहते हैं ना आप लोग। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मात्राओं के लिए आपके अंक नहीं काटेंगे, तो हम यहाँ पर आपको 40 दे देंगे और 40 वहां दे देंगे। चलिए आइए आप बैठिए, चलिए अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले। भीलवाड़ा जिला को 80 अंक हुए, टोंक जिला ए के हुए 60 अंक, और बांसवाड़ा जिला के 80 अंक। चलिए आप सबके पहले खेल का हिसाब किताब तो हमने अपने बही खाते में लिख लिया, अब आपको अपने बही खाते में चीजें लिखनी है। हमारे अगले खेल का नाम है बही खाता, आपको क्या करना है, गणित के सवालों का हल करना है। एक एक जना हर टीम से आएगा और आपके सवाल इस बोर्ड पे हल करेगा। सबसे पहले भीलवाड़ा की टीम से आएगा, और आप मुझे बताइए कि कौन जाएगा। रईस जाएगा। रईस, आप गणित में मजबूत हैं, आप आइए रईस और शुरू हो जाइए, और आप तीनों यहाँ से इनकी मदद कर सकते हैं, आवाज लगा के इन्हें हल बता सकते हैं। चलिए आप शुरू हो जाइए, 34 जमा 16 50 50 कह रहे हैं ये, 87 घटा 8 बने, चलो आपको पूरा बोलना पड़ेगा, 27 गुणा 2 बने, आप दोनों सोचिए, 54 और आपका आखिरी है 46 भाग 2 बने, 23 23 कह रहे हैं ये, नहीं नहीं 54 6 के लिए 5 लो, नीचे 23 ऐसे नहीं बोलिए आप, पूरा पूरा बोलिए उनको, दो आगे। चलिए इनका वक्त अभी है लेकिन इन्होंने खत्म कर लिया, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। अब हम देखते हैं, ये 50 हुआ, ये 79 हुआ, ये 54 हुआ, और ये 23 हो गया, तो इनके 40 अंक हो गए यहाँ। अब हम देखते हैं टोंक जिला एक से कौन आएगा उनके गणित के सवाल करने। रामलाल आप जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ाई क्यों शुरू की? पढ़ाई साहब किसी शहर में सरसों का बीज लेने जाते थे, तो बनिए नहीं, किसी को तो पढ़े लिखे को तो देते थे 10 रुपए किलो, हमारे को देते थे 30 रुपए किलो, इसीलिए पढ़ने इतना सारा पैसा ज्यादा, तो आपको पता कैसे लगा कि वो आपको ठग रहा है? जो ये पढ़ने वाला जाता था वो कहते थे मैं तो 10 रुपए किलो लाया हूँ, और मैं कहता था यार मैं तो 30 रुपए किलो लेकर आया। चलिए आइए रामलाल, आप जाइए खिड़की खोलिए और अपने गणित की हेल्प कीजिए। और आपकी खिड़की ये खुल गई, पूरी खोल दीजिए आराम से, और आपका समय शुरू हो गया। 59 जमा 12 एक लगा। ऐसे नहीं बोलिए आप, पूरा पूरा वो बोलिए, एक दो नंबर करके नहीं बोलिएगा, पूरा हल बताइएगा। 6 और लगा अरे अड़ी आगे लगा बंदो, 61 लगा 61 बोलिए, नहीं तो जो आपको जाना है आपको बदली करनी है जाइए ना, फिर आपका वक्त निकलता जा रहा है, आओ जल्दी, और रामलाल बैठो, आप लोग यहाँ से मदद कर सकते हैं उनकी। 64 घटा 15 बने, 17 गुणा 2 बने, 93 भाग 3 बने, 34 बस बस आपका समय खत्म हो गया। चलिए अच्छा आपका पहला ये गलत है, क्योंकि जवाब है 71, वहां 7 होना चाहिए 6 नहीं। आपका दूसरा 49 होना चाहिए, ये गलत है, और आपका तीसरा 34 है और वो सही है, तो यहाँ इनको सिर्फ एक सही है और हम इनको 10 अंक देंगे इसके लिए। आप जाइए देवाल बैठ जाइए। चलिए अब यहाँ भारतवाड़ा की टीम से हम पूछते हैं कि कौन आएगा गणित का हल करने। हकरिया
चलिए हटिया, आप जाइए और अपने यहाँ पर गणित के सवालों का हल कीजिएगा। खिड़की खोलिए और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सत्तानवे, ऐसे नहीं बोलिएगा, पूरा पूरा बोलिएगा, नहीं तो नहीं। हाँ बोलो। बहुत। 31 घटा 13 बने 28, गुणा 2 बने 13, और आपका चौथा सवाल है 78 भाग 3 बने। चलिए आपके पास अभी 12 सेकंड हैं। चलो चलो, 78 भाग 3 बने, अब वापस चले जाओ, जो खाली रह गया है। बस 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 बस, आपका समय खत्म हो गया, आप आइए वापस, आप आइए वापस। कोई नहीं कोई नहीं, 3 तो हो गए। चलिए इसे यहाँ लगा देते हैं। पहला वाला आपका 71 सही है, दूसरा वाला आपने खाली छोड़ दिया, ये 56 सही है और ये 26 बिल्कुल सही है, इनके 30 अंक मिलते हैं। बहुत बढ़िया, आपसे चलिए हमारा बही खाता का खेल भी खत्म हो गया। आपके बही खाते में आप आपके अंक लग गए हैं, देखते हैं किसको कितने अंक मिले। भीलवाड़ा जिला के 120 अंक, टोंक जिला के 70 अंक और बांसवाड़ा जिला के 110 अंक। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। तन नन ना, 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 तन नन ना। पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार, बड़ा ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। चलिए अब बही खाता के बाद खेलना है हमें एक खेल, इसका नाम है देखी सुनी। हम अपने पूरे दिन में कितनी चीजें देखते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, अब देखते हैं आप लोगों को कितनी बातें याद हैं और कितनी बातें नहीं याद हैं। ये है देखी सुनी का एक खेल। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको चीजें दिखाऊंगी और आप मुझे जवाब देने हैं। अच्छा भाई, आप लोग तैयार हैं भीलवाड़ा की टीम? अब आपको क्या करना है कि आपको ये चित्र देखना है और मुझे बताना है कि उदयपुर स्थित महाराजा सज्जन सिंह द्वारा बनवाए गए इस बाग का क्या नाम है, इस बगीचे का क्या नाम है। सहेलियों की बाड़ी। बिल्कुल सही रफीक, सहेलियों की बाड़ी। अच्छा, टोंक जिला ए, आपके लिए ये तस्वीर है, मुझे बताइए कि जयपुर स्थित इस इमारत का नाम क्या है। हवा महल। क्या बोला आपने रामलाल? हवा महल। बिल्कुल सही रामलाल। आप मुझे बताइए बांसवाड़ा की टीम कि इस नृत्य को क्या कहते हैं। कठपुतली। नहीं, इस नृत्य को कठपुतली। नहीं, गलत है, गलत है। अब मुझे वापस जाना है भीलवाड़ा की टीम के पास, आप लोग कोशिश करना चाहेंगे? कथकली। नहीं नहीं। अच्छा भाई, टोंक जिला ए, कोशिश करनी है? गणगौर। नहीं, गणगौर नहीं है, चार कुला नृत्य है ये। चलिए अब मुझे वापस जाना है बांसवाड़ा की टीम के पास और आपसे मैं पूछना है कि जय जवान जय किसान ये नारा किस प्रधानमंत्री ने हमें दिया था। क्या बोला आपने? लाल बहादुर शास्त्री ने। बिल्कुल सही नान जी, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, आपके लिए एक और तस्वीर है, आप ये देखिए, मुझे बताइए कि इस नृत्य का नाम क्या है। घोड़ा। क्या बोला आपने? घोड़ा। कुछ तो घोड़ा। नहीं, रामदेव जी।
नहीं, गलत हो गया ये। अब मुझे जाना है वापस भीलवाड़ा की टीम के पास। हाँ, मेवाड़ी नर्सरी। नहीं, और कोई कोशिश करेगा? नहीं। अब मैं वापस आती हूँ बांसवाड़ा की टीम के पास, आप मुझे बताइए यहाँ कोई कोशिश करेगा? इस नृत्य को पहचान सकते हैं आप? इस नृत्य का नाम है कच्ची घोड़ी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि बीकानेर और जोधपुर के बीच वो कौन सा मंदिर है जहाँ दुर्गा जी के अवतार की पूजा होती है और जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं मंदिर में? गणेश जी का। नहीं, गलत बोला आपने, गणेश जी का मंदिर नहीं है। अब मैं वापस जाऊंगी इनके पास, बांसवाड़ा की टीम। आपको मालूम है कौन सा मंदिर है जहाँ चूहे होते हैं और वो दुर्गा जी के अवतार की पूजा होती है वहाँ? आप लोग यहाँ कोशिश करेंगे? दुर्गा जी का। नहीं, दुर्गा जी का भी नहीं है। आप में से कोई जानता है? कन्नी माता का मंदिर, बिल्कुल सही। चलिए, हमारी देखी सुनी का खेल भी खत्म हो गया। अब देते हैं कितने अंक किसको मिले। भीलवाड़ा जिला 130, टोंक जिला 80 और बांसवाड़ा जिला 120। चलिए, अब हम खेलेंगे 12 खड़ी। हमने अपने शब्द में बहुत सारे शब्द छुपा रखे हैं। क्या करें, मात्रा अगर आप अलग कर दें, अक्षर आप अलग कर दें, तो शब्द का आकार ही बदल जाता है। बस आपको हमारे लिए आकार बदल के दूसरे शब्द बनाने हैं। हर टीम में से एक जना आएगा और उस शब्द की 12 खड़ी करेगा। आपकी टीमों में से आपकी मदद हो सकती है। मुझे बताइए पहले फारूक कौन जाएगा 12 खड़ी में? परवीन जाएगी। परवीन, आप जाएंगी? जाइए परवीन, आप जाइए, कलम उठाइए। चलिए, आपका वक्त शुरू होता है और आपका शब्द है काया पलट। काया, काया। अरे, पलट। कपट। काल। चलो आसमा, कोशिश करो। कल। आसमा, चलो चलो कोशिश करो। काला। लाख। लाख कह रही है ये आसमा। टका। ताल। ताल ये कह रही है। ताल। पक। पाया। चलिए, बहुत वक्त है अभी आपके। लाया। काया। काल कह रही है आसमा। काल कह रही है आप। चलिए सोचिए सोचिए। बस बस, आपका समय खत्म हो गया। रफीक, आप यहाँ खड़े हो जाइए, मुझे कलम दीजिए। अब देखते हैं, काया सही, पलट सही, काल सही, कल सही, काला सही, लाख तो कुछ नहीं होता, लाख होता है रुपया भी और चूड़ी भी, और ये कल, ये दोबारा हो गया, और ये कान न तो है नहीं। तो 1 2 3 4 5, आपके 5 सही, आपके हो गए 50 अंक। आप बता दीजिए। अब निर्मला जी, टोंक जिला ए से कौन जाएगा हमारा ये खेल खेलने 12 खड़ी का? देवलाल जी। चलिए, आप चलिए जाइए वहां पर, बोर्ड पर तैयार हो जाइए। और आपका शब्द है अनाथालय, और आपका समय शुरू होता है अब। अनाथ। अनाथ। थाल। शाबाश। यार तो सही। थले। अन्ना। यल, लये, लये। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लये, लये, लये बोला, लये बोला इन्होंने, थल बोला इन्होंने। नाथा। क्या बोल रही हैं आप? नाथ। नाथ बोल रही हैं बादाम। थाल। पीछे से प्लीज आवाज नहीं आएगी। थाल। अथा। अरे वाह रामलाल, अथा बोल रहे हैं रामलाल। क्या बोला? आया। आया बोल रही हैं आप, सोच लीजिए बादाम। आया। नाल। नाल बोल रहे हैं ये, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, चलिए बोलो, सोचो सोचो। चलिए बस बस बस, आपका समय खत्म हो गया, मुझे कलम दीजिएगा। अच्छा, अनाथ सही है,
ये अगर यार है तो र तो हमारे पास है नहीं, अना कोई शब्द नहीं होता, ये आपने लिखा नहीं, ये ठीक है, हल ठीक है, नत ठीक है, थाल ठीक है, अथा कुछ नहीं होता, अया कुछ नहीं होता, नाल सही है और ये भी गलत है। तो आपके हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इनके 6 सही है, इनके हो गए 60 अंक। आप इसको हटा दीजिए। मांसवाड़ा की टीम से कौन जाएगा? अकरिया भाई। अकरिया भाई आप जाएंगे, चलिए कलम लीजिए, आप जाइए बोर्ड पर, ध्यान से इनकी बातें सुनिएगा लेकिन खुद सोचिएगा कि क्या लिखना चाहिए, कौन सा शब्द सही है और बड़े बड़े साफ अक्षर में लिखिएगा। आपका शब्द है लक्कड़हारा और आपका समय शुरू होता है। लक्कड़हारा, जोर जोर से बोलिए। कल। अकरिया भाई बड़ा लिखिए। हार। हार। हार सही है। अपने लक। चलिए आप बोलते कल, कल कल ये कह रहे हैं, कल कल सोच लीजिए। हाँ हाड़ा, बोलो आप जोर जोर से बोलो। लाल। लारा। लाल। लहरा। लोहा। बोलो फिर से। लहरा। हरा। लक। फिर से बोलो। डर। कड़क। कड़क। कड़क ये कह रही है, कड़क। कड़क। बस 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 बस, अब आप कलम रख दीजिए। चलिए हकरिया जी आप मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। लक्कड़ दो क होते हैं, आधी क की और बड़ी क की। हल सही है, कल सही है, लारा कुछ नहीं होता, लाल दो ल नहीं है, कड़क दो क नहीं है, ये ठीक है, कारा। हारा सही है, लक कुछ नहीं होता, हारा दो बार हो गया, ये राह, ये हरा, ये ड नहीं, हमारे पास ढ है तो ये गलत हो गया, और ये लड़ा। 7 सही हो गए आपके। आज का हमारा खेल खत्म होता है, हमारे चारों खेल खत्म हो गए, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले और क्या हिसाब है। आज तीसरी जगह पर है 140 पर टोंक जिला, दूसरी पे है भीलवाड़ा जिला 180 अंक पर, और आज की विजेता है 190 अंक पर बांसवाड़ा जिला। आइए 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 मेरे पास आइए, आप आइए इधर, आइए इधर आके खड़े हो। तो लीजिए हो गया आज के खेल का फैसला, इनको जिताने का, इनके जीतने का। ये तो बहुत छोटा सा फैसला था हमारे जीवन का, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला खुद अपने आप किया, अपने आप को साक्षर बनाने का, और उसमें उनकी जीत है। आइए मेरे साथ गाइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ग ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।